बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की बेल की अर्जी जब सुनवाई हो रही थी उस समय दो इंटरवेंशंस आई हैं। ये इंटरवेंशंस क्या कह रही हैं, आइए वहां पर जो मौजूद थे वकील मुनमुन दनेचा के उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, क्यों ये लोग आए हैं बीच में? देखिए, अभी लोगों का ऐसा बोलना है कि बाकी एप्लीकेशन जो है वो हमारी सुनी नहीं जा रही है और ये एप्लीकेशन आ गई है, ऐसा बोल के इंटरवेंशन फाइल किया। खासतौर से आर्यन खान की सुनवाई हो रही है, बाकी लोगों की नहीं। हाँ, जैसे कि हम अगर बात करें तो ये जो इंटरवेंशन थी, इंटरवेंशन सिर्फ आर्यन के अगेंस्ट फाइल किया गया था, जिससे समझ में आता है कि कोई इसमें कोई कुछ मतलब नहीं है, कम्प्लीटली बोगस इंटरवेंशन एप्लीकेशन था। और बट स्टिल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत हम्बली उन्हें ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप रुक जाइए थोड़ा, हम आपको भी सुन लेंगे आज। जैसे सामरे ने ये भी कहा कि उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि जो एडवोकेट झा है वो, क्योंकि उनका तकरीबन हर हफ्ते में एक बार कोई ना कोई मामले की सुनवाई होती है और अदालत लेट तक बैठता है, तकरीबन 6:30-7 तक तो जनरली बैठ के सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। नहीं, देखिए मैं तो इसी को यही बताऊंगा, अगर उनको ऐसा कोई कंसर्न होता था तो वो इंटरवेंशन फाइल करते थे एक दो तीन तीनों के अगेंस्ट, सिर्फ एक के अगेंस्ट फाइल किया है जो कि आर्यन खान ने, तो इसका मतलब तो मैं यही बताऊंगा ये दिस इज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। बिल्कुल, तो ये है फिलहाल मुनमुन दनेचा के वकील जो बता रहे थे कि अब इस मामले में, हालांकि एक चीज़ और है कि अब सुनवाई जो है वो वेंसडे को चली गई है, कल 2:30 PM को मैटर हियरिंग के लिए रखा हुआ है, कंटिन्यूएशन में अभी बाकी लोग कौन कौन आर्ग्यू करेंगे? बाकी देखिए, अभी तक आर्यन का पूरा आर्ग्यूमेंट हो चुका है एंड अरबाज की आधी आर्ग्यूमेंट्स हुई है। उनके वकील का ये कहना था कि उनको आधे से पौना घंटा और लगेगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए। उसके बाद कोर्ट ने मुझसे भी पूछा तो मैंने पहले ये बताया कि सर मेरा 58 सीरियल नंबर है लेकिन मैं आरोपी नंबर 3 के लिए हूँ, आप पहले 2 का सुन लीजिए उसके बाद मैं आगे मेरा आर्ग्यूमेंट्स करता, तो अभी 2 का पूरा नहीं हुआ है तो कल 2 का कंटिन्यू होगा, उसके बाद हमारा पॉइंट्स आगे रखा जाएगा और उसके बाद एनसीबी आर्ग्यू करेगी। बिल्कुल, उसके बाद एनसीबी आर्ग्यू करेगी। इस मामले में अभी थोड़ा समय और लगेगा यही सामने आ रहा है, लेकिन अब जो बाकी की सुनवाई है वो कल होगी। कैमरामैन सुनील वादी के साथ विद्या, मुंबई आज तक।